को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों जैसे कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है कि समस्याओं की सीधा जड़ पर प्रहार। दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ खास जानकारियां होती हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते हैं, तो जिनके कारण हम अपनी परेशानियों को खुद ही आमंत्रण देते हैं। तो आज मैं आपको एक नींबू का छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, उसके अलावा आपको कुछ वास्तु टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये वास्तु टिप्स मैंने काफी लोगों को पहले दे चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग को बता दूं कि यदि आप लोग अपने जो पुराने कपड़े होते हैं उससे यदि अपने घर में आप पोछा लगाते हैं तो आप बीमारियों को, दुर्घटनाओं को, परेशानियों को खुद ही मोल लेते हैं। यदि आपके घर की रसोई में आप पुराने कपड़े, काफी लोग क्या करते हैं अपने अंडरवियर बनियान, इससे रसोई में पोछा लगाते हैं, है ना, इससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी पोछे के लिए कपड़ा यूज करते हैं तो उसको हमेशा स्वच्छ यानी कि कोरा कपड़ा लेकर ही यूज करें। अगर आपने पुराना कपड़ा यूज किया है तो इसका मतलब यह है कि दरिद्रता के लिए, दुखों के लिए, तकलीफों के लिए आप एक रास्ता बना रहे हैं। घर में बीमारियों को, जो बीमारियों की एनर्जी होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसको आप आमंत्रण दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। आप खुद बोल रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, ये कंडीशन पैदा करते हैं आप। तो हमेशा दोस्तों याद रहे, ये छोटे छोटे से वास्तु टिप्स जो होते हैं इनको यदि अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते हैं, आप कोई भी उपाय कर लें, कोई ग्रह आपका बैलेंस नहीं होगा। हमेशा कोई ना कोई ग्रह आपका अनबैलेंस ही रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसे आप रगड़ रहे हैं। आप अपनी बॉडी की एनर्जी को नीचे रगड़ रहे हैं पैरों में, तो इससे आपको बीमारियां आती हैं। तो मेन चीज तो दोस्तों ये है कि घर की रसोई में कभी भी पुराने कपड़े से कभी भी पोछा ना लगाएं, क्योंकि आपकी रसोई में माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा का वास होता है। ये पहला टिप्स हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि अपनी बाथरूम में जो आपकी बाल्टी होती है उसे कभी भी खाली ना रखें, और हमेशा नीले कलर की बाल्टी रखें। अगर आपने अपने बाथरूम में बाल्टी को खाली रखा हुआ है तो आपका अनएक्सपेक्टेड पैसा खर्च होगा, कभी भी पैसा टिकेगा नहीं, यहां पर आपके राहु कमजोर होते हैं। ये काफी टिप्स मैं वीडियो में देता रहता हूं, है ना। तो पोछे के लिए दोस्तों हमेशा याद रखें कि हमेशा नए कपड़े ही यूज करें। और तीसरा, घर की नेगेटिविटी को यदि रिमूव करना चाहते हैं तो दोस्तों हमेशा फिटकरी और सिया सॉल्ट जो होता है, खड़ा नमक होता है, इसको आप लोग क्या करें, सेम क्वांटिटी में पाउडर बना लें, गुरुवार के दिन में छोड़ करके हर दिन इसका पोंछा लगाएं, तो इससे भी घर में पॉजिटिव एनर्जी बनती है। ये हो गए टिप्स छोटे छोटे से, ठीक है। अब इसके अलावा सबसे बड़ा टिप्स जो ये है कि आपकी हाइट के ऊपर से कोई भी चीज हमेशा याद रखें कि चाहे पर्दे हो, कपड़े हो, या कोई भी टूटा फूटा सामान आपके सिर की ऊंचाई में कभी भी नहीं होना चाहिए। काफी लोगों के घर में लाफ्ट वगैरह होते हैं, रैक वगैरह होते हैं, अलमारा होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, फटे पुराने कपड़े रख देते हैं, टूटा फूटा सामान रख देते हैं। अगर ये चीज आपके घर में है तो आप समझ लीजिए कि फूटी है किस्मत, किस्मत को आप खुद ही फोड़ रहे हैं, अपने हाथ से दुर्भाग्य को आप न्योता दे रहे हैं। दोस्तों ये आप इस चीज को फॉलो करके देखिए, सिर्फ 3 दिन में आपको फर्क नजर आ जाएगा। अगर आपके हाइट के ऊपर से कपड़े भी फटे हैं, पर्दे भी फटे हैं, तो उनको तुरंत हटा दीजिए। कोई भी टूटी फूटी चीज अगर आपके सिर के ऊपर रखी हुई है, मतलब कि आपकी हाइट के ऊपर से रखी हुई है, तो उसको आप तुरंत हटा दीजिए। काफी लोगों के घर के टेरेस में मैंने देखा है कि जंग लगा हुआ लोहा रखते हैं, ठीक है, जंग लगे हुए काफी वस्तुएं रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल कोई भी सामान यदि आपके घर में बिगड़ा पड़ा है तो उसको आप तुरंत रिपेयर करा दीजिए, या उसके अलावा उसको घर से बाहर कर दीजिए। यहां आपके राहु आपको अनएक्सपेक्टेड दुर्घटनाएं, परेशानी, बीमारी सब चीज देना शुरू कर देते हैं। आपके शनि कमजोर होते हैं, ताले में कभी जंग नहीं लगना चाहिए। ये चीजें दोस्तों अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका घर का वास्तु बैलेंस हो जाता है। काफी लोग तो बस ये टूटा फूटा सामान, इलेक्ट्रॉनिकल सामान, ये सब घर में पड़ा रहता है, तो इसके कारण आपके ग्रह जो होते हैं दोस्तों, आप लोग जो भी यूज करते हैं अपनी लाइफ में, हर एक चीज, खाने से लेके, पीने से लेके, ओढ़ने से लेके, गाड़ी से, यानी कि हर एक वस्तु आपके ग्रहों से जुड़ी हुई है। और आपका घर का जो वास्तु होता है, आपका यूनिवर्स होता है, आपके घर की एनर्जी आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है। तो वास्तु टिप्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और एक छोटा सा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये टिप्स जो मैंने दिए हैं इन्हें तो आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी घर की सारी नेगेटिविटी हमेशा रिमूव रहे, कोई भी नेगेटिविटी घर में एंटर ना करे, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है, वो गेस्ट हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, है ना, घर से बाहर जा घर मतलब बाहर से जो घर के आपके अंदर एंटर करता है, तो नेगेटिविटी क्या ढूंढती है, जहां पर पॉजिटिविटी होती है, तो पॉजिटिविटी को हटा करके वहां नेगेटिविटी रहने लगती है। तो अगर ये प्रयोग आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी, आपका घर हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा। आपको लेना है एक नींबू, ठीक है, आप इस प्रयोग को शनिवार के दिन में करते हैं तो बेस्ट है, या फिर किसी भी दिन कर सकते हैं, शनिवार का दिन बेस्ट माना गया है। तो आप बाजार से 3-4 नींबू लेकर के आए, और इस प्रयोग को दोस्तों आपको अंधेरे में करना है, मतलब कि रात्रि में करना है, सूरज ढलने के बाद 8 बजे के बाद में, और अंधेरे में ही करना है। 5 मिनट का ये प्रयोग है और इसका रिजल्ट आपको 3 दिन में सटीक नजर आएगा, परिवर्तन आपको सटीक नजर आएगा। घर में ग्रह कलेश है, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, पैसा आ नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, या फिर बेरोजगार बैठे हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, शत्रु बहुत ज्यादा है, कोई बरसों से रुका हुआ काम है जो बन जाए आप चाहते तो वो काम आपके बनने लगेंगे। तो करना क्या है आपको, आप बाजार से 3-4-5 नींबू लेकर के आए, ठीक है, एक कांच की ग्लास ले लें या कांच का बाउल ले लें, उसमें आपको भरना है पानी, ठीक है। पानी भरने के बाद में आप नींबू को सबसे पहले ट्राई कर लें, जो नींबू डूब जाता है किसी भी चीज में पहले अलग से ट्राई कर लें कि नींबू पानी में डालें, जो नींबू डूब जाता है उसमें इस प्रयोग को आपको करना है। नींबू जो डूब जाता है तो एक पानी का ग्लास ले लें, कांच का ग्लास ले लें, उसमें नींबू को, आपको एक चीज याद रखना है, इस प्रयोग को शनिवार के दिन में करते हैं तो बेस्ट है, ठीक है, और नहीं तो फिर किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार सबसे बेस्ट माना गया है। तो नींबू को आप क्या करेंगे, सबसे पहले काजल से काली तिल का तेल जो होता है उससे, या सरसों के तेल से किसी दिया जलाएं, उसमें काजल बना लें, ठीक है, जैसे दिया जल रहा है तो उसके ऊपर प्लेट वगैरह रखेंगे तो उसमें काजल पड़ जाएगा, उसी तेल से आपको उसका काजल बना के नींबू को पूरा काला कर देना है, ठीक है, जो नींबू डूब जाता है। और फिर उस नींबू को उठा करके घर के पश्चिम दिशा में बैठ करके घर के अंदर अंधेरे में, आप पालथी मार करके बैठ जाइए, थोड़ा बहुत उजाला रहेगा आप देख सकें, लेकिन अंधेरे में जितना ज्यादा अंधेरा रहेगा उतना ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस नींबू को आप ग्लास में डाल देंगे, पानी में डूब जाता है, तो उसके बाद में आप 2 मिनट बैठ करके वहां पर बस बैठे रहना आपको 2 मिनट, और उस नींबू को देखना है, 1 मिनट 2 मिनट देखते रहना आपको, ठीक है, और ये सोचना है कि घर की जितनी नेगेटिविटी है इस नींबू में ऑब्जर्व हो रही है, सोख रही है। अब इस ग्लास को उठा करके अपने हाइट से ऊपर अपने घर की ईशान डायरेक्शन, सबसे स्ट्रांग डायरेक्शन जो होती है, ठीक है, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है ईशान डायरेक्शन, तो वहां पर इस ग्लास को आपको रख देना है। 1 हफ्ते तक आपको इस ग्लास को वहीं रखे रहने देना है, ठीक है, जैसे आज आपने सैटरडे को किया तो अगले सैटरडे तक वो ग्लास वहीं पर रहेगा, और नेक्स्ट सैटरडे का आपको क्या करना है, इसको उठा करके किसी बहते हुए जल में या पीपल वृक्ष में इसको डाल दीजिए, पानी को और नींबू को, और दूसरा नींबू फिर से तैयार करके उसको वहां पर रख दीजिए। आप सिर्फ शनिवार शनिवार इस प्रयोग को करिए, जब तक इस प्रयोग को आप करते रहेंगे दोस्तों, एक शनिवार से दूसरे शनिवार में इसका सटीक रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो इसको 3 शनिवार, 7 शनिवार, 11 शनिवार कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको करते भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का प्रयोग है, अगर इसको हमेशा करते रहेंगे तो घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी आपकी लाइफ में, कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं, धन से संबंधित या फिर कोई भी काम है आपका जिंदगी में, जैसे कि परेशानी भी लगी है तो परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों ये नहीं बोल रहा हूं कि परेशानी आएगी नहीं, जैसे 30 दिन की परेशानी है तो वो आएगी तो 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए कोई प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब परेशानी नहीं आएगी, पानी तो गिरेगा लेकिन हमें छतरी मिल जाती है, आउटसाइड में पानी गिरेगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको, टिकेगी नहीं परेशानी कोई भी चीज। और जो काम, जैसे काफी लोग ऐसा होता है कि कोई भी काम करते हैं तो 99% तक उस काम तक पहुंच जाते हैं और बीच में कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि वो काम वहां पर रुक जाता है। काफी मेरे क्लाइंट्स फोन करते हैं जो सब्सक्राइबर हैं, जो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा करके और मुझे कॉल करते हैं, कंसल्ट करते हैं, उनको मैंने काफी लोगों को ये उपाय बताए हुए हैं, काफी लोगों ने दोस्तों बोला, मान के चलिए कि 85% लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है इसका। और मेरी हमेशा जानकारी ऐसी होती है जो प्रमाणित होती है, टेस्टेड होती है, उसके बाद में ये जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित करता हूं। तो इस प्रयोग को करके देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और जो लोग मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी करना चाहते हैं, दोस्तों होता यह है कि कभी कभी आप उपाय करते रहते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह ऐसा होता है जो नीच का फल दे रहा होता है,
और आप जो उपाय करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो यदि आप बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई उपाय करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है सटीक आता है, है ना। तो यदि अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से कुछ रेमेडी मुझसे चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। अब वहां जाकर के व्हाट्सएप में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए और अपनी पूरी डिटेल्स कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा, आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी बर्थ चार्ट के हिसाब से मुझसे रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।